भारत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहार अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाए जाते हैं। उन्हीं त्योहार में से एक रक्षाबंधन त्योहार है जिसको एक अलग अहमियत दी गई है। जहाँ एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वही भाई अपनी बहन की रक्षा करने का संकल्प लेता है। लेकिन इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी। इनसे जानेंगे कि रक्षाबंधन से जुड़ी वो सभी जानकारियां जिन्होंने लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मेरा सबसे पहला सवाल, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाया जाएगा जी। लेकिन कुछ लोग इसे 31 अगस्त को मनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 30 और 31 जो तारीख है वो लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो रक्षाबंधन में कोई भ्रम नहीं होता, जहाँ शास्त्रीय व्यवस्थाएं बिल्कुल साफ कही हुई होती हैं। शास्त्रों में जो कहा है रक्षाबंधन की पूर्णिमा, जब श्रावण की पूर्णिमा जिस दिन अपराह्न काल में आ जाती है उस दिन रक्षाबंधन होता है। अपराह्न काल में पूर्णिमा 30 अगस्त को आ रही है, लेकिन पूर्णिमा जब प्रारंभ होती है, पूर्णिमा के प्रारंभ के साथ ही भद्रा प्रारंभ हो जाती है, तो 9:59 तक तो दूसरा कर्ण रहेगा और 11 बजे से फिर भद्रा प्रारंभ होगी जो 9:02 तक रहेगी। तो अब अपराह्न काल में पूर्णिमा आ रही है लेकिन भद्रा भी बीच में आ रही है, इस कारण से कुछ भ्रांतियां लोगों में है। अन्यथा वैसे तो रक्षाबंधन 30 ही तारीख का है, पर 31 तारीख को करीब 50 मिनट सूर्योदय के बाद 50 मिनट तक पूर्णिमा रहेगी। तो सूर्योदय के बाद 50 मिनट पूर्णिमा रहने के कारण उस दिन के लिए भी कुछ विद्वानों का मत है कि उस दिन मनाया जाए, लेकिन शास्त्रों में कहा है कि 3 घटी यदि सूर्योदय के बाद 3 घटी पूर्णिमा हो तो उस दिन रक्षाबंधन किया जा सकता है। 3 घटी 3 मुहूर्त का मतलब होता है 6 घटी 6 घटी का मतलब होता है 2 घंटे 14 मिनट। अगर 2 घंटे सूर्योदय के बाद 2 घंटे 14 मिनट तक यदि पूर्णिमा हो तो फिर ये रक्षाबंधन दूसरे दिन होता, लेकिन चूंकि 50 मिनट ही है वहाँ 2 घंटे 14 मिनट होना चाहिए। लेकिन आज भी लोग, बहुत सारे लोग मानते हैं कि सूरज ढलने के बाद राखी नहीं बांधनी चाहिए या रात के समय राखी नहीं बांधनी चाहिए, तो इसको लेकर भी लोगों के मन में भ्रम एक पैदा हो रखा है, तो इसके बारे में बताएं। ये रात्रि को राखी बांधने का वैसे निषेध तो नहीं है, लेकिन अव्यवहारिक जरूर है कि रात्रि के समय कई भाई बंधु कई बहने रात्रि को भी, जब पहले रक्षाबंधन होता था तब भी राखी को, जिनको समय रात को मिलता है सायंकाल मिलता है, और रात को बंधवाते हैं, लेकिन इस बार सिर्फ रात्रि को ही मुहूर्त है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भद्रा के संदर्भ में जो कहा है, भद्रा का जो ऐसे 2 कारणों से, एक भद्रा के कारण 30 को मना कर रहे हैं रात्रि को 9 बजे बाद में बांधे और 31 तारीख को पूरे दिन भर बांधे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन 31 को इसलिए नहीं हो सकती कि वहाँ 3 मुहूर्त से कम है, इसलिए वहाँ 2 घंटे 14 मिनट से कम होने के कारण पूर्णिमा 31 की नहीं हो सकती, लेकिन 30 तारीख को रक्षाबंधन है क्योंकि अपराह्न काल में पूर्णिमा है, लेकिन भद्रा भी साथ में है। लेकिन भद्रा के लिए कहा है कि दिवा भद्रा यदा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिने तदा तदा वृष्टि न दोषो न भवेत सर्व सौख्यदा, कि जब दिन की भद्रा रात्रि में हो और रात्रि की भद्रा दिन में हो, कि भद्रा 11 बजे से प्रारंभ हुई और 9:02 तक रही, तो दिन में प्रारंभ हुई और रात्रि तक रही, तो जब दिन में भद्रा प्रारंभ हो रात्रि तक रहे तो उस भद्रा का दोष ही नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं संशय नहीं है, अनावश्यक ऐसी स्थिति बनाई हुई है। और मैं तो करीब 150 साल का इतिहास देखा है पंचांगों का, कि जिस दिन अपराह्न काल में ऐसी स्थितियां आने को बार आई हैं और हमेशा दिन भर राखी बांधी गई है। लेकिन एक धार्मिक मान्यता है कि भद्रा काल के दौरान राखी नहीं बांधनी चाहिए, उसे अशुभ माना जाता है। इसके लिए कहा है कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा, शास्त्रों में जो कहा है कि श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म यानी होली का दहन भद्रा में नहीं होता है और श्रावणी कर्म भद्रा में नहीं होता है। श्रावणी कर्म से अभिप्राय जो होता है वो श्रावणी कर्म के हिमाद्रि संकल्प के साथ में प्रातःकाल स्नान करके जलाशय पर, तालाब में, नदी के किनारे,
या जहाँ भी जल हो, जल प्राप्त हो, वहाँ पर स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं हेमाद्य संकल्प के साथ, और उसके बाद में फिर नए जीवन की शुरुआत करते हैं, नए उन्नयन के साथ उदात्त जीवन की कामना करते हैं प्रभु से। तो वहाँ पर श्रावणी कर्म निषिद्ध है, रक्षाबंधन निषिद्ध नहीं है कि राखी बांधना वर्जित है, वहाँ पर श्रावणी कर्म का है। तो श्रावणी कर्म 31 तारीख को प्रातः सूर्योदय के समय जो पूर्णिमा मिल रही है, तो 31 तारीख को श्रावणी कर्म किया जा सकता है। 31 तारीख को श्रावणी कर्म के दौरान पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। पूरे 31 को ही नहीं, 30 को भी बांध सकते हैं। 30 को जब 11 बजे बाद में जो भद्रा है, भद्रा अशुभ है ही नहीं। अच्छा, भद्रा अशुभ है ही नहीं, तो 30 तारीख को दिन भर बांध सकते हैं। और इस बार 30 और 31 दोनों के दिन नहीं, भद्रा अशुभ नहीं है, भद्रा अशुभ नहीं होती है, इसलिए 30 को भी बांध सकते हैं। और अगर कोई किसी को व्यवस्था, चूंकि अब तो बहुत जल्दी हो गया, तो कईयों ने ऐसा किया कि 31 का किसी ने कह दिया, 31 के हिसाब से अपनी व्यवस्था कर रखी है, तो 31 को भले ही कर ले, कोई ऐसे इसमें कोई अनिष्ट होने की संभावना नहीं है कि 31 को मना ली तो कोई अनिष्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि प्रभु भावों के भूखे होते हैं, और भाव से ही, अपने भाव से ही बहनें अपने भाई को बांधती है, तो ये वैसे भाई बहन का भी त्योहार अब हो गया, मतलब सब भावों का खेल है, भावों का खेल है सारा। तो ऐसे और पूरा हर्ष और उल्लास का ये त्योहार होता है, ये कोई मुहूर्तों में बंधने वाला त्योहार नहीं है, दिन भर हर्ष और उल्लास के साथ में अपने परिवार के साथ। लेकिन जिन लोगों ने इन्हें कुछ मुहूर्तों में बांध दिया है, कुछ अशुभ शुभ बातें इनसे जोड़ दी है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिये, ये सब शुभ अशुभ कह के तो जनता में भय व्याप्त करना है। वैसे पंडितों को कोई ब्रह्मा जी से एजेंसी मिली हुई नहीं है, किसी, सब शास्त्रीय व्यवस्थाएं हैं और प्रभु की दी हुई है, और समसामयिक व्यावहारिक स्थितियों को और पुराने इतिहास को देख करके हमें निर्णय लेना चाहिए। अब से पहले आजकल मीडिया और ये कई सोशल इस तरह का हो गया है, जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा भ्रमित होते भी हैं, कर भी देते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि किसी भी तरह की भ्रांति की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि भद्रा इसमें अशुभ होती नहीं है। कुछ लोग राहु काल के लिए भी निषिद्ध बताते हैं। राहु काल का जहाँ तक सवाल है, राहु काल दक्षिण भारत में केवल यात्रा के लिए निषिद्ध होता है, वो और किसी में अशुद्ध नहीं होता, अशुभ नहीं होता है, लेकिन यहाँ उसको बीच में राहु काल का और कर देते हैं। ऐसे अगर इन मुहूर्तों ही मुहूर्तों से हो तो हर क्षण कुछ न कुछ होगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकते आप दिन भर। वैसे मुहूर्त के लिए प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्ति, जब अंतःकरण साक्ष्य दे वो सबसे श्रेष्ठ होता है, और धर्मशास्त्रों में तो कहा है कि श्रुति स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन है। जहाँ पर स्मृति स्मृति में ये सदाचार के लिए होती है, श्रेष्ठ आचरण के लिए होती है, इसमें अगर कहीं विरोधाभास दिखाई दे, व्यवहार में कहीं विरोधाभास दिखाई दे, तो ऐसे स्वस्य च प्रियमात्मन है, जो अपनी आत्मा गवाह दे वो निर्णय लेना चाहिए, और उसके साथ हर्ष और उल्लास से त्यौहार मनाना चाहिए। तो आपके कहने का यही मतलब है कि 30 और 31 दोनों दिन राखी हम बेखौफ बेझिझक मना सकते हैं। अब राखी बांधते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? देखिए, वैसे मंत्र पढ़ने का, जैसे एक मैं कुछ उदाहरण दूं कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तो उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा था, जब गजराज को। लेकिन कुछ लोग ये पूछते हैं कि जैसे हम हमारे भाई को राखी बांधे तो ऐसा कौन सा मंत्र पढ़े, कहाँ पढ़ेंगे, संस्कृत सब थोड़ी जानते हैं, इसलिए वैसे मंत्र जो होता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षेर माचल माचल, ये इस मंत्र को भले ही पढ़ लें बोल लें, लेकिन मंत्र याद नहीं हो तो मंत्र तो भाव प्रधान होता है कि अपने भाई की, अपने प्रिय की शुभकामनाएं, उसके जीवन की शुभकामनाएं, उसके दीर्घायु मतलब की और यश वृद्धि की कामना के लिए जो किया जाए वो सबसे अच्छा, वो सबसे बड़ा मंत्र है। क्यों? मननात मंत्रम, जो मनन में, अपने अंतर मन में, जो आत्मा में जो सोचा जाता है वही मंत्र। हाँ, बस मैं आपसे यही पूछना चाहती थी कि जैसे बहन बोलती है कि हम हमारे भाई को जब राखी बांधे तो मतलब क्या मंत्र पढ़े कि जिससे वो स्वस्थ भी रहे, निरोगा भी रहे और उसको शुभकामना भी दे। बहनों को मंत्र की जरूरत ही नहीं है, वो तो अमंत्रक है, ये तो हर्षोल्लास के साथ राखी बांधे, खुशियों के साथ है, अपने आप उसकी दीर्घायु और उसके लिए जीवन भर शुभ होगा, और शुभ उसके लिए शुभ होगा तो बहन और रिश्तेदारों के लिए, परिचितों के लिए, सबके लिए वो शुभ करेगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे कि जब हम राखी के लिए थाली सजाते हैं तो उसमें क्या क्या सामग्री हमें डालनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो संपन्न लोग होते हैं
वो तो सोने चांदी की राखियां ले लेते हैं, वो तो नारियल पे भी चांदी का कवर चढ़ा लेते हैं। और जो गरीब कई लोग ऐसे होते हैं उनको नारियल लेना भी भारी होता है, वो कर्ज लेकर के नारियल लेके आती है कई बहने, तो ऐसी स्थिति लेकिन उसके पीछे एक भाव होता है, थाली भाव होता है। तो ऐसी स्थिति में थाली जैसा भी हो और कुछ नहीं हो तो भाई को धागा ही बांध दो, मूली ही अपने आप में राखियां, क्योंकि राखी आजकल तो कई तरह की राखियां बनने लगी है। राखी नहीं, राखी तो कोई भी रक्षा सूत्र को राखी कहते हैं कि कोई भी मूली भी उसको बांध दिए प्रेम से और उसके तिलक कर दिया, उसी में सब कुछ है। तो वैसे तो श्रीफल हो, फूल पुष्प हो, मिष्ठान हो, भाई को मिठाई खिलाएं, ये सब कुछ चीजें हैं, पर जितना हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। और एक जरूर है कि ये राखी का बंधन किसी कई बहनों के भाई नहीं होते हैं जी। अब आजकल एक एक दो दो तो होने लगे हैं, तो जिनके भाई नहीं हैं वो अपने किसी वृक्ष के राखी बांधें, बिल्व वृक्ष के, आंवले के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के, इन वृक्षों को राखी बांधें और वो प्रभु के साक्षात स्वरूप होते हैं, उनसे वो तो पंडित जी वृक्ष तो बात की बात आ जाती है, लेकिन जिनके भाई नहीं हो, जैसे आपने बताया कि वृक्ष के भी राखी बांध सकते हैं, लेकिन कुछ बहनें हैं जिनके भाई नहीं होते हैं तो वो मुंह बोले भाई भी बना लेती है, उनके भी राखी बांध सकते हैं। वैसे तो मुंह बोले भाई बना के राखी बांधे हैं, लेकिन वो मुंह बोले भाई से अच्छा वो वृक्ष होता है। हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। भाई का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कितना भ्रातृत्व निभाएगा, लेकिन जो वृक्ष है वो तो आपके जीवन दाय और जीवन भर वो आपका लिए भाई पिता सब रूप में वो आपके सामने रहेगा, इसलिए वो सर्वोपरि। जिनके भाई नहीं है, मैं तो प्राथमिकता दूंगा कि उनको वृक्ष को वरण करना चाहिए और उस पर राखी बांधनी चाहिए। तो आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 30 और 31 के बीच जो लोगों के मन में भद्रा को लेकर जो एक वहम बना हुआ है, ऐसा कोई वहम नहीं है। आप हर्षोल्लास के साथ 30 और 31 को बेखौफ बेझिझक होकर खुशी खुशी अपना रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।